रमजान का चांद शनिवार को देखा जाएगा, और अगर चांद नजर आ जाता है तो रमजान की कल पहली तारीख होगी। ऐशबाग ईदगाह में चांद देखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। दरअसल गुज़िश्ता दो वर्षों से कोविड-19 की वजह से तमाम पाबंदियों के बीच रमजान का पाक महीना गुजरा था, लेकिन इस बार मस्जिदें गुलजार नजर आएंगी। ये कहना है ऐशबाग ईदगाह लखनऊ के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का। 8-2 अप्रैल को पूरे मुल्क में रमजान मुबारक का चांद इंशाल्लाह देखा जाएगा। अगर चांद नजर आ जाता है तो पूरे मुल्क में आज से तरावियों का एहतमाम होगा, और कल यानी 3 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा। और चूँकि 2 साल के बाद पूरी आज़ादी के साथ और एक अच्छे माहौल में कोविड के दौर के बाद हम लोग रमज़ान मनाएंगे, तो लोगों में ज़्यादा खुशी है, ज़्यादा जोश और खरोश है, ज़्यादा तरावियों में भी हर जगह ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ामिया के साथ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में मीटिंग भी हुई है, और यही सबसे अपील की गई है कि तमाम जगह जगह साफ सफाई है, सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए जाएँ। पानी जो कि गर्मी ज़्यादा है, लिहाजा पानी का भी माकूल इंतज़ाम किया जाए। और सभी रोज़ेदारों से अपील है कि हर मस्जिद में जो कि इस साल 2 साल के बाद अफ्तार भी होगा, तो लिहाजा अफ्तार में भी गरीब और गुरबा को ज़रूर शामिल करें, और इस अफ्तार के वक्त अल्लाह से इस बात की ज़रूर दुआ करें कि अपने मुल्क के अल्लाह ताला हर तरीके से हिफाजत फरमाएँ।